नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम अंकित, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों। और दोस्तों आज जिस प्लॉट में हम आए हैं वह देख सकते हो आप, ये रेतीली ज़मीन है। और आज दिखाते हैं आपको रेतीली ज़मीन में पपरल का क्या रिजल्ट रहता है और क्या किन किन बातों का ध्यान रखें पपरल खेती समय रेते की ज़मीन में। और आपको भी प्रूफ दिखाएंगे कि ये रेते की ज़मीन है या नहीं है, आपको दिखाते हैं कि ये सच में रहता है, कभी आप यकीन ना करो। तो सबसे पहले हम जिस प्लॉट में खड़े हैं वो 2 वर्ष 7 महीने का खेत हो चुका है, देख सकते हो आप। इसमें पूरे खेत में 109, कुछ पेड़ 110 के हैं। ये देखो अपने सामने आप रिजल्ट देख सकते हो आप, ये पूरा का पूरा जो प्लॉट है वो तैयार है, बिल्कुल ही कटवाने के लिए तैयार है दोस्तों। अभी इस प्लॉट के ठेकेदार हैं वो लग चुके हैं, ये आप देख सकते हो। ये देखो हमारे पास फित्ता भी है, हम अभी फित्ते से भी इनकी जो मोटाई है वो आपको दिखाएंगे। ये पेड़ इस पे इस प्लॉट में वैसे तो 24-25 की एवरेज हो चुकी है, 25 इंच की 2 वर्ष 7 महीने के पेड़ों की। बाकी जो मैं आपको दिखाता हूँ इसमें 28-29 इंच के भी पेड़ हैं, कुछ पेड़ जिन्होंने ज़्यादा ही डाइट पकड़ कर अपने अंदर एब्जॉर्व कर ली उनकी, जो देख सकते हो आप ये लगभग मेरे हिसाब से ये पेड़ है ये किसान साथियों उतने को हो गए। देखो मैं अकेला हूँ आज, मेरे साथ कोई नहीं आया, इधर मैं खेत में आया था। तो मैं अब इसके हाइट माप कर दिखाता हूँ आपको, एक मिनट रुको। ये देखो किसान साथियों, ये देख सकते हो आप, ये खेत है पूरा का पूरा। ये देखो आप 27.5 इंच का ये पेड़ हो चुका है बीच में से, को कम से कम हम 5 फुट ऊपर से 4 फुट ऊपर से माप रहे हैं। और इस जो पेड़ की क्वालिटी और लेंथ भी बहुत अच्छी है। और अभी हम दूसरे पेड़ पर इसकी भी मोटाई दिखाते हैं आपको, एक मिनट रुको आप, क्योंकि आज मैं अकेला हूँ इसलिए मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही वीडियो बनाने में भी। ये देखो आप, ये देखो मैंने बोला था ना आपको, ये देख सकते हो आप, ये पेड़ है, ये पेड़ 29 इंच का हो चुका है अभी से। ये देखो इसमें बहुत ऐसे एग्जांपल हैं जो 29-30 के पास पेड़ पहुँच चुके हैं, मुझको पता है। ये देखो सामने भी 27 इंच का पेड़ है और ये 28 इंच का, मतलब 25 की एवरेज है इसमें, बाकी इसमें 28-29-30 मिनिमम हम 25 इंच का पेड़ बोल सकते हैं। और देख सकते हो किसान साथियों आप, यहाँ पर ठेकेदार इस प्लॉट के लगने शुरू हो गए। और इस किसान साथी ने इसमें पहले साल आया गन्ना, उसके साथ बाद मुंडी और फिर गेहूँ, अब ये कटने के लिए तैयार। यानी ये उम्मीद से ज़्यादा चल सकते हैं रेती की ज़मीन में यदि आप कुछ बातों का, क्योंकि जो पेड़ होता है उसको वह रेती की ज़मीन में ज़्यादा फूलता है और वहाँ पर गिरने की संभावना है वो कम रहती है। बाकी है कि थोड़ा सा पानी का ध्यान हमने सब तैयार रखना पड़ेगा। इस प्लॉट में से कम भी 6 दिन या 7 दिन में एक बार पानी ज़रूर आएगा गर्मियों के दिनों में, और सर्दियों में थोड़ा 15 दिन में, बाकी जो गर्मियों के दिन होते हैं उनमें महीने में 4 या 5 पानी देने ज़रूरी हैं। बरसाती मौसम में आपको ऐसे में पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ने की। और यदि आप इन पानी का विशेष ध्यान रखोगे, थोड़ा सा स्टार्टिंग में डिमक जो है गन्ना बोते टाइम आप डिमक का दवाई जरूर गिरे उसमें, एक लीटर या 2 लीटर, या उसके बाद फिर दोबारा से एक बार दो अगले साल फिर डिमक का स्प्रे कर दें, जिससे इसमें है कि वो डिमक से बचेगा रेतली ज़मीन में। और जो है कार टेप, क्योंकि डाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं रेतली ज़मीन में गर्मी की वजह से। और यह देख सकते हो आप पेड़ों की जो है दूरी वो 13x13 की है, और पूरा का पूरा प्लॉट है अपने सामने देख सकते हो आप, ये पूरा तैयार हो चुका है। और किसान साथियों, जिस किसान का ये प्लॉट है वो यहाँ से कम भी बोल सकते हैं 45 किलोमीटर दूरी पर उसका घर है, और यहाँ पर जो है उसने यहाँ पर एक वो बोल सकते हो यहाँ पर रखवाली के लिए एक बंदा छोड़ रखा है, जिससे वही खेत में पानी पूनी देता है और वही देख रेख करता है। और आप देख सकते हो बस में यहाँ पर आते हैं और पानी देकर गेड़ा गुड़ा मार कर चले जाते हैं, बाकी वो कभी कभार आते हैं, उनके पास और भी पपरल खेती है वहाँ पर देख रेख करते हैं। तो किसान साथियों यही सबसे बड़ी बात है, ये देख सकते हो आप यहाँ पर। और मैं आपको बता दूँ ये रेती की ज़मीन है, जिसका आपको उदाहरण देते हैं। देखो ये है यहाँ पर, ये देखो ये पूरा का पूरा ये रेत है, देख सकते हो आप, ये देखो ये रेतली ज़मीन है, इसमें कोई शक नहीं है, पूरा प्लॉट ऐसी है यहाँ पर। अब ये कट जाएगा तो आप ये मान के चलोगे लगभग 2.5-3 साल में प्लॉट पूरा कट जाएगा, और पूरे 3 साल में प्लॉट कट रहा लगभग एक खेत यदि हम मान के चले एवरेज 5 लाख रुपए का, तो ये लगभग 2.25 लाख रुपए का पर साल पड़ जाएगा किसान साथी को। इसमें 5 लाख में 1 लाख रुपए खर्चा,
जोड़ के चलो आप मोटा मोटा सा, तो 4 लाख रुपए नेट, वैसे तो खर्चा कम आएगा 4,000 रुपये, तो 4.5 लाख रुपये नेट बचाता है एक खेत की, और इकट्ठे पैसे आ जाएंगे। तो किसान साथियों, आप रेतले की ज़मीन है यदि उसमें शुरू से ही ध्यान रखेंगे तो क्या होगा कि वो अच्छी इनकम दे सकता है आपको और फसलों के मुकाबले। बस यह है कि गर्मियों के दिनों में आप इसमें पानी का विशेष ध्यान रखें, यदि आप पानी से चूक गए तो इसके पत्ते पीले होकर झड़ जाएंगे और इसकी ग्रोथ रुक जाएगी। यदि आपने पानी का ध्यान पूरा रखा तो इसकी ग्रोथ नहीं रुकेगी। ये देखो आप सामने, वो देखो वहाँ से आया जो भी पिछली बार गेहूं कटने के बाद वहाँ से 14.5 लाख का प्लॉट आटा ही एकड़ का वो कट चुका। देखो ये हम दूसरे प्लॉट में आ गए, देखो यहाँ पर भी ये देखो कितने अच्छे पेड़, कितनी अच्छी ग्रोथ कर रहे, 109 के पेड़ हैं ये भी। ये देखो ओ माय गॉड, देखो कितने शानदार ग्रोथ ये ले चुके हैं, देख सकते हो आप अपने सामने। ये पूरा का पूरा प्लॉट ऐसे ही है किसान साथियों, देखो इसमें कोई शक नहीं है। जो किसान साथी बोल रहे थे कि 3 साल में पेड़ तैयार नहीं हो सकते, 2.5 साल में पेड़ तैयार नहीं हो सकते, तो मैं यहाँ पर आकर इन खेतों को देख सकते हो। और यह पूरा का पूरा रेता है, ये देख सकते हो आप, इसमें रेते में है जो वैसी मिट्टी मिक्स है। ये किसान साथी है, बस पानी की ओर नहीं टूटने देते, और किसान साथी ने इसको एक बार बाह दिया है, जुताई कर दिया इसकी, ताकि इसमें घास घूस ना जामे और अच्छी क्या कहते हैं उसको, जो खाद खूद है वो पेड़ में ही मिलता रहे। ये देखो देख सकते हो आप पूरा प्लॉट। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यदि आप रेते की ज़मीन में शुरू से ध्यान रखें तो वो है कि एक अच्छी प्रोडक्शन दे सकता है आप अप्रैल की, इसमें कोई शक नहीं है। तो किसान साथियों, ये जानकारी आपको कैसी लगी तो ज़रूर बताएं। ये देखो 2.5 साल के पेड़ आपको दिखाए हैं आज रेते की ज़मीन में, पूरे के पूरे 27-28 इंच तक के हो रहे हैं।